रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स में भी होता है और कंज्यूमर्स में भी होता है, मतलब जो प्लांट्स हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है और जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ के ऊपर सबकी रिप्रोडक्शन होती है। क्यों होती है रिप्रोडक्शन? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो उनका जो स्पीशीज है, उनकी तरह के जो लोग हैं, वो खत्म हो जाएंगे। आगे जेनरेशंस कैसे चलेंगी? स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अभी रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होती क्या है? रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा तरीका है जिससे वो जो स्पीशीज है वो अपनी तरह के ऑर्गेनिजम्स बनाता है। मतलब अगर वो रोज का प्लांट है तो वो रोज का प्लांट बनाएगा, अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो वो ह्यूमन बीइंग बनाएगा, अगर वो डॉग है तो वो डॉग के पपीज बॉर्न होंगे तो वो फ्यूचर में डॉग बनेंगे। तो इस तरीके से अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का तरीका है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बनता है और उसके जैसा होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट, उस एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म को हम पेरेंट बोलते हैं, ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और जो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे आर द कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, ओके। So this is what do you mean by reproduction? Write down the definition, all of you. Then modes of reproduction. अब different तरीके होते हैं जिससे जो organism है वो बनता है, जिससे reproduction होती है। जैसे कि अगर हम plants की बात करें तो हम plants की बात करेंगे तो plants में ना different parts होते हैं जो कि दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन सी दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है? एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट इट डाउन, और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना वो वेजिटेटिव पार्ट्स से होती है। प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम तो हम सिर्फ प्लांट्स की बात करेंगे यहाँ पर। प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव पार्ट्स की वजह से होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कौन सा है सेक्सुअल पार्ट? फ्लावर। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हीं में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जिसमें फ्लावर्स नहीं बनते प्लांट्स में उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। प्लीज राइट इट डाउन। और देखो बेटा जो वेजिटेटिव पार्ट्स है वो कौन कौन से होते हैं? कीप योर हैंड्स डाउन अर्पिता एंड मन्नत, आई विल गिव यू टाइम फॉर डाउट्स, ओके। फर्स्ट ट्राई टू ग्रैब व्हाट आई एम सेइंग, ओके। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं फ्लावर्स के, प्लांट्स के? एक होता है लीफ, स्टेम और रूट। ये जो तीन पार्ट्स होते हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। लीफ, स्टेम एंड रूट आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। वॉट इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट? इट इज द फ्लावर। जो फ्लावर होता है वो सेक्सुअल पार्ट होता है। अब क्या होता है कि एक टाइम ये जो एक प्लांट है ये आपने प्लांट किया, उसके बाद वो बड़ा हो गया, थोड़े टाइम के बाद उसकी लीव्स आ जाएंगी, उसकी स्टेम बड़ी हो जाएगी, उसमें फ्लावर शुरू हो जाएगा, फिर फाइनली उसमें फ्रूट बनेगा और सीड बनेगा, ठीक है। जो फ्रूट और सीड है वो किससे बनता है? वो फ्लावर से बनता है, ठीक है। तो जो फ्लावर है ना वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट? सेक्सुअल। और बाकी जो वेजिटेटिव पार्ट है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो This is what is
सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होती है, सबसे पहले हम समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। ओके, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, मतलब एक ही प्लांट से नया प्लांट बनेगा। और वो कहां से बनेगा, वो वेजिटेटिव पार्ट से बनेगा। वेजिटेटिव पार्ट्स मैंने कौन कौन से बताए थे, लीफ, स्टेम एंड रूट, इनसे नया प्लांट बनेगा, सीड से नहीं बनेगा। सीड से जो बनेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला होगा। और इसमें दूसरा क्या पॉइंट है कि इसमें जो बेबी बनेगा, जो बेबी प्लांट होगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा पेरेंट प्लांट की। राइट इट डाउन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड। ओके, एंड द बेबी इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब ध्यान से सुनना बेटा, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। ठीक है, अब ये दोनों क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं गैमीट्स या सेक्स सेल्स कहते हैं इन्हें, गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो गैमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं, मेल पार्ट जो है वो मेल गैमीट्स देता है, ठीक है, और फीमेल पार्ट जो है वो फीमेल गैमीट्स देता है। ये दोनों फ्यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों फ्यूज करते हैं, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होती है। और क्या बनता है, जाइगोट। इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं प्लांट्स में भी। थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया हुआ सबको कि क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एनी डाउट टिल हेयर? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।